हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों ड्रोन्स के बीच में कंपैरिजन फाइंड करेंगे। यही मेरे हाथ में है मैविक प्रो और यही लेफ्ट हैंड साइड में है फैल्कन का ड्रोन। दोनों ही ड्रोन जो हैं सुपर टॉय के ड्रोन हैं और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं। दोनों के अंदर लगभग आपको सेम फीचर्स मिल जाते हैं, इसलिए सभी लोग कन्फ्यूज हैं कि इन दोनों में से कौन सा परचेज करें। तो दोस्तों अगर आप भी कन्फ्यूज हैं कि इन दोनों में से कौन सा परचेज करें तो आज की इस वीडियो के अंदर ये आपका कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। तो दोस्तों बनादरी करते हुए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले जानेंगे हम इन दोनों ड्रोन्स के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मैविक प्रो के फीचर्स के बारे में। दोस्तों इस ड्रोन के अंदर मिलता है आपको वन की टेक ऑफ और लैंडिंग, यही मिलता है आपको एल्टीट्यूड होल्ड, हेडलेस मोड में मिल जाता है और बहुत सारे 360 फ्लिप मिल जाता है। और ये तो बात हो गई मैविक प्रो के फीचर्स के बारे में। अब बात करेंगे हम फैल्कन ड्रोन के फीचर्स के बारे में। दोस्तों फैल्कन ड्रोन के अंदर भी आपको वन की टेक ऑफ और लैंडिंग मिलता है, एल्टीट्यूड होल्ड मिलता है, 360 फ्लिप मिलता है, हेडलेस मोड मिलता है और लाइटें वगैरह फैल्कन ड्रोन के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इन दोनों ड्रोन्स के फीचर्स के बारे में। अब करते हैं इन दोनों ड्रोन्स का एक फ्लाइंग टेस्ट और देखते हैं कि इन दोनों ड्रोन्स में से कौन सा ड्रोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्लाई करता है। और बाद में मैं आपको अपना ओपिनियन बताने वाला हूँ कि आपको इन दोनों में से कौन सा ड्रोन परचेज करना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि आप इस ड्रोन की फ्लाइंग टेस्टिंग और फीचर्स के बारे में जान चुके हैं तो अब बात करते हैं कि फाइनल डिसीजन की कि मेरा क्या मानना है इन दोनों ड्रोन्स के बारे में। तो दोस्तों देखिए मैविक प्रो जो ड्रोन है वो थोड़ा साइज में फैल्कन से थोड़ा बड़ा है, लेकिन वहीं बात करूँ फ्लाइंग टेस्टिंग की तो फैल्कन ड्रोन जो है काफ़ी स्मूथ फ्लाइंग आपको देता है। अगर आप फैल्कन ड्रोन को फ्लाई करते हैं तो इसका जो फ्लाई का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। वहीं मैं बात करूँ मैविक प्रो की, ये थोड़ा हल्का ड्रोन है, मटेरियल क्वालिटी इसकी थोड़ी हल्की है इसलिए हवा में इधर उधर भाग जाता है, लेकिन फैल्कन ड्रोन जो है एक जगह जमकर फ्लाई करता है और इसके सारे फीचर बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। मैविक प्रो जो ड्रोन है इसका आप देख सकते हैं इसके नीचे कोई कैमरा का पोर्ट नहीं है। अगर फ्यूचर में आपको कोई कैमरा लगाना हुआ तो आप इसके अंदर कोई कैमरा नहीं लगा पाएंगे, लेकिन वही बात करूँ फैल्कन ड्रोन की तो इसके अंदर मैंने कैमरा आपको लगाकर दिखा भी दिया है और फ्यूचर में आप भी इसके अंदर कैमरा लगा सकते हैं। तो दोस्तों क्लियर सी बात है, यदि आपको इन दोनों में से कोई सा ड्रोन परचेज करना है तो मेरे हिसाब से आपको फैल्कन ड्रोन परचेज करना चाहिए। फैल्कन ड्रोन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है इन कंपैरिजन ऑफ मैविक प्रो। तो दोस्तों बाकी अगर आप बिगिनर हैं और आपने कभी कोई ड्रोन फ्लाई नहीं किया तो आपके लिए दोनों ही ड्रोन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कन्फ्यूजन आपका दूर हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी दोस्तों मिलूंगा आपको ऐसी एक और अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। Oh,